जब ये मुल्क एक सही रास्ते पे जा रहा था, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वजह थी कि एकदम ये सारे निकाल जी बड़ा, ये तो पार्टी बड़ी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस ही अच्छी हो रही है, हमारे छोड़ गए, ये थी साजिश। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं, अगर मैं इसके ऊपर और पाकिस्तानी कौम स्टैंड नहीं लेगी आज, अगर आप पाकिस्तानी कौम, आप अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं चला सकेगा। डरेगा कि आगे से धमकी आएगी अमेरिका से, तो वो ऐसे छुप जाएगा। हमने, मेरी वुकला कम्युनिटी, आप ओपिनियन में कर रहे हैं, हमने जब धमकी मिली अमेरिका से, जो जनरल मुशर्रफ अपनी किताब में लिखते हैं कि वो रिचर्ड आर्मिटेज की जब टेलीफोन से आया कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोनेज अगर हम उनके साथ शिरकत नहीं करते उनकी जंग में, हमारी जंग ही नहीं थी, एक धमकी के ऊपर हमने घुटने टेक दिए, उनकी जंग में शामिल हुए, मारा गया, 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान पे। दुनिया की तारीख में ये कोई मिसाल ही नहीं मिलती कि आपका एलआई जिसके लिए आप जंग लड़ रहे हैं वो आप पे बमबारी कर रहा है। 400 ड्रोन अटैक्स हुए, कितने बेकसूर लोग मारे गए, कौन से हुक्मरान ने खड़े होकर कहा कि ये सारे ह्यूमैनिटेरियन लॉज की खिलाफ वर्जी है। कोई दुनिया का कानून आपको इजाजत नहीं देता टू बी जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर। आप फैसला कर रहे हैं 8000 मील दूर से, कंप्यूटर गेम्स खेल रहे हैं कि अच्छा जी ये दहशत गर्द है, बटन दबाया वो सारा नीचे, कौन नीचे मरा किसी को नहीं पता, छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े लोगों के मिलते थे। कौन सा मुल्क इजाजत देता है? ये है गुलामी, और इस गुलामी के केस में खड़ा था। मेरे लिए भी बड़ा आसान था कि उनको कहता जी मैं रूस नहीं जाता, और रूस, अब ये सुने जरा, आज इन्होंने जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है, जिसका सारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बेचारा निचला तबका पिस जाएगा, सफेद पोश पिस जाएगा, इसके जो रिपरकशन आएंगे, इसकी जो इन्फ्लेशन है 30% से ऊपर इन्फ्लेशन जाएगी। 30% ऊपर इन्फ्लेशन का मतलब कि जो तनख्वाहें हैं लोगों की, जो तनख्वाहदार तबका खास तौर पर, वो कैसे गुजारा करेगा? तो हम क्यों गए थे रूस? हमें रूस से, हम ताल्लुकात ठीक कर रहे थे, हमने गैस लेनी थी, हमने वहां से रूस से गंदम 20 लाख टन गंदम लेनी थी, और फिर जब हम वहां गए तो पता चला कि वो हमें 30% कम के ऊपर हमें तेल देंगे। तो हमारे लिए तो रूस की ट्रिप इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि मेरे लोगों के लिए फायदा था, मुझे जात का तो कोई फायदा नहीं था। अमेरिका हुक्म करे कि जी आप क्यों रूस गए? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।